अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई जवानों? ठीक ठाक हो? और क्या चल रहा है आजकल? क्या लर्निंग है और क्या अर्निंग है, थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कल हमने एक साइट शुरू की थी बनाना, और आज उसको कंप्लीट करते हैं फिर। वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को, और सुबह बखैर। अच्छा जी, तो यहाँ तक पहुँचे थे हम, जिसपे हमने कल एक दो कुछ सेक्शंस क्रिएट किए थे, और ये एनिमेशंस लगाई थी, साइड बार बनाए थे, और उनके अंदर आइकन्स को जो है वो प्लेस किया था। फिर एक सेक्शन हमने मोर अबाउट मी का बनाया, और एक सेक्शन हमने माई स्किल्स वाला बनाया था। निचले सेक्शंस जो हैं आर टू बी कंटिन्यूड, और उसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, काम जारी है, उसको आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारी दूसरी वेबसाइट का नाम था क्रैक्स किंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सर मुझे एक मसला है जी, बताएं। मुबारक कह रही हैं सर, मेरे सेक्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं, वेरी गुड। आइकन रह गए हैं, वो नहीं समझ आ रहा। आज इंशाल्लाह सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और किस किस ने काम किया, ये चीजें इंप्लीमेंट किस किस ने की हैं जो हमने कल पढ़ी थी? ये इसमें से कौन कौन सी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने काम किया है, इतना काम कर लिया जो कह सकते हैं कि सर जितना आपने कल करवाया था उतना कर लिया हमने। अभी कितने लोग हैं हमारे पास? 16 लोग हैं, अभी टाइम हो गया है। सर बटन्स में स्पेस कैसे देनी, बस इतना सा काम, ये वाला इस बटन को, ये इस साइड से जो इसकी लेफ्ट साइड है वहां से मार्जिन दे दो, बस। लेफ्ट साइड से मार्जिन दोगे तो इन बटन्स के दरमियान में स्पेस आ जाएगी। मेरे बटन्स दोनों साथ साथ चिपके। बस प्यार मोहब्बत बहुत है ना इनमें, तो उनको जरा जुदा करो, तुम जो है वो उनके विलन बन जाओ तो इंशाल्लाह वो हो जाएंगे जुदा। ठीक है, दो मसले आ रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा मसला बताओ। ये तो हो गया ना कि इसका आपने इस बटन को मार्जिन दे देना है लेफ्ट से, या फिर इसको इसको राइट से ना दो, इसको लेफ्ट से दे दो बस। सर मैंने पहला पेज किया, बस पहला पेज मतलब पहला सेक्शन, ये वाला, क्योंकि ये तो वन पेजर ही है, इसका और कोई पेज है ही नहीं, इन प्रोसेस है जी। ठीक है सर, प्लीज 28 डेट का भी लेक्चर अपलोड कर दें। बेटा ये जो लेक्चर अपलोड और डाउनलोड और डिलीट करने वाला काम है सारे का सारा, ये है लैब मैनेजर्स का। शेजर साहब है, आदिल साहब हैं, हंजला साहब हैं, आप इनसे कम्युनिकेट कर लिया करें, आपको जो भी लेक्चर चाहिए होता है उनसे रिक्वेस्ट किया करें, क्योंकि मेरा काम, मेरी जो ड्यूटी है वो सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर देना है, उसके बाद फिर आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो सारी की सारी लैब मैनेजर्स के साथ है। आपको कोई लेक्चर चाहिए, आपको अटेंडेंस का कोई मसला है, आपको ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई कुछ चीज़ चाहिए, आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई इस तरह की गाइडलाइन चाहिए, तो आप लोग लैब मैनेजर्स से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर मार्जिन सब साइड से लगा लगता है, लगाऊं तो नहीं, उसको आप अनलिंक कर सकते हो कि आपने सब साइड से लगाना है या फिर सिंपल एक साइड से लगाना है। जहां पे चारों मार्जिन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होते हैं ना, उनके बिल्कुल राइट साइड पे एक बटन होता है, उसको लिंक और अनलिंक करने वाला, कि चारों मार्जिन को आपने लिंक करके इंक्रीज और डिक्रीज करना है या फिर अनलिंक करके अलग अलग करना है। ठीक है, अलग भी लगेगा, आज मैं लगा देता हूँ। सर मैंने की है, दूसरा सेक्शन बनाया तो नीचे साइड स्क्रोल बन रहा था। क्या किया था आपने इसका? मार्जिन का बात, मार्जिन की बात कर रहे हो? चलो मैं आज आपको दोबारा से इसका, ये जो बटन है इसके दरमियान में जो स्पेस है, और ज्यादा इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। सर वो लोग रिप्लाई नहीं करते, आप लोगों के पास उनका ईमेल एड्रेस भी है, आप लोग ईमेल के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी जो नई साइट मैनेजर है माहम, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप फेसबुक के ऊपर, या फिर उनके जो है वो जो उनका ईमेल एड्रेस है उनके ऊपर आप अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हो ग्रुप के अंदर,
आप लोग पोस्ट कर सकते हो उनको टैग करके कि सर हमारा ये फलाना लेक्चर जो है वो प्लीज अपलोड कर दें, या जो भी वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी जो भी होंगी वो फिर आपको गाइड कर देंगे उसके मुताबिक कि वो अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कब अपलोड करेंगे इन लेक्चर्स को। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, थोड़ा सा ये है कि आप लोग खुद भी रेगुलर हुआ करें ना, टाइम पे लेक्चर ले लें तो इस तरह के मसले ही ना आए कि जी बाद में लेक्चर अपलोड कर दो। तो ये तो फिर उनकी तरफ से वो भी अपनी जगह पे ठीक है कि आप लोग फिर जब टाइम पे लेक्चर नहीं लेते, रात को आके आते हो जी, रात को आके बैठ के लेक्चर ले लेंगे, दिन में हमारे पास टाइम नहीं होता या सुबह सुबह हमारी आंख नहीं खुलती, तो इस तरह के बहाने तो नहीं चलने वाले ना। कोई वैलिड रीजन बताओगे अगर कि जी फलां रीजन की वजह से मैं लेक्चर नहीं ले सका, तो फिर हो सकता है वो कोई आपके लिए जो है वो आपको फेवर दे दे। ठीक है, चले जी फिर आज मूव करते हैं अपनी चीजों के ऊपर। आपने कहा जी कि ये जो है इन बटन्स के दरमियान में जो स्पेस है उनको इंक्रीज करना है, तो इसके जरा WP एडमिन में चलते हैं और बाकी सेक्शंस को भी क्रिएट करना है हमने आज। आज थोड़ा सा हो सकता है मेरी आवाज बदली बदली सी लग रही हो आप लोगों को, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि गले के अंदर थोड़ा सा मसला है। एडिट विद एलिमेंटर करते हैं जी, होम जो हमारा फ्रंट पेज है उसको। और यहाँ पे हम अपनी साइट भी खोल लेते हैं SEOGrowth.tools के नाम से। अच्छा जी, ये बटन है जी हमारे, इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये इसकी सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो है वो खुल गई। स्टाइल के अंदर आ जाए, इसके एडवांस में आ जाए, तो एडवांस में ये देखिए यहाँ पे ये है लिंक वैल्यूज टुगेदर। अगर मैं इनको लिंक कर देता हूँ ना, तो देखें जरा मैं फिर अगर ये लिंक्ड है यहाँ से, तो ये एक को भी मैं इंक्रीज करूंगा तो वो सारे इंक्रीज होंगे, ऐसे होता है ना आपका, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं इसको दोबारा से जीरो करता हूँ सबको, यहाँ से अनलिंक का बटन दबाता हूँ। अब मैं अलग अलग हर एक मार्जिन को छेड़ सकता हूँ, मैं राइट से बॉटम से, ठीक है ये देखें मैं सिर्फ बॉटम को छेड़ रहा हूँ, तो बॉटम वाला इंक्रीज कर रहा है, इसको मैंने जीरो कर दिया। लेफ्ट वाला जो है उसको इंक्रीज किया, तो ये देखें हम लेफ्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो दोनों के दरमियान में जो स्पेस है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। इसको जितना चाहें आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो लाइक 25 पिक्सल्स का मार्जिन दे देता हूँ लेफ्ट से। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोग मैनेज कर सकते हो। अच्छा फिर दूसरा ये है कि आप लोगों को ये वाला जो बटन है इसकी जो है आप लोगों को थोड़ी सी अगर हम पैडिंग के ऊपर काम कर लें, ये पैडिंग है ना, तो पैडिंग अगर मैं इसकी कम करता हूँ, छोड़िए ये पैडिंग, ठीक है इसकी पैडिंग को कम करना है हमने। मसला क्या है, दोबारा से वापस करें इसको। अच्छा पैडिंग होती क्या, पहले ये तो समझ लें, फिर उसके बाद इसको मैं लिंक करके दोबारा से जरा जीरो करता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब मैं यहां से इंक्रीज करता हूं ताकि वो उसके बराबर आ जाए, बटन उससे बड़ा लग रहा था थोड़ा सा ना, तो अब तकरीबन ये बराबर है, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 12 कर देते हैं इसको। तो ये पैडिंग होती है टेक्स्ट के और उसके बॉर्डर के दरमियान में जो फासला होता है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी तो ये पैडिंग हो गई, बटन्स भी दोनों एक जितने हो गए। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा बटन जो है वो बड़ा लग रहा था, इसको हम ये तो क्रैकस्किंग है ये SEOGrowth.tools, तो ये देखें ये बटन इस बटन से बड़ा लग रहा था ना, तो अब मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ अगर दोबारा से, तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों अब बराबर हो चुके हैं या नहीं। तो देखें अब तकरीबन जो है दोनों एक साइज पे आ गए हैं और दरमियान में जो स्पेस है इनके वो भी इनफ है। ठीक है, ये हॉवर के ऊपर इसका जो कलर है ना वो तकरीबन बैकग्राउंड कलर जैसा ही हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो हॉवर के ऊपर मुझे चेंज करना पड़ेगा कि वो फिर जो है ना प्रोमिनेंट नहीं लगता। तो यहाँ पे आते हैं हम इसके हॉवर पे, तो
बैकग्राउंड कलर इसका जो है ये टेक्स्ट कलर है, तो टेक्स्ट कलर को अगर मैं थोड़ा सा ब्लैकिश कर दूं, ठीक है ये टेक्स्ट कलर हो गया। फिर उसके बाद नीचे बॉर्डर है, ये बॉर्डर का कलर है हॉवर के ऊपर, तो हॉवर के ऊपर कैसे करना है, और ये हॉवर इसको भी थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं। ठीक है तो अब कुछ बेहतर है। आगे है जी फाहद नजीर साहब, वो कह रहे हैं सर आइकन के दरमियान मार्जिन करना भी दोबारा बता दे। आइकन के दरमियान मार्जिन नहीं होता, आइकन्स के दरमियान में स्पेसिंग होती है। जैसे ये आइकन्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये आपकी आइकन्स लिस्ट है, ये आपका स्टाइल है, ये है स्पेस बिटवीन। ठीक है तो ये दरमियान वाली स्पेस को कम कर दें, दरमियान वाली स्पेस को ज्यादा कर दें, ये अब आपकी मर्जी है। ठीक है इसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। और कोई सवाल? ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको कम करना है उस हिसाब से जो हमारा लेफ्ट वाला जो सोशल आइकन्स वाला मेन्यू बार है। ठीक है जी। अच्छा जी अब चलते हैं जरा अगले सेक्शंस पहले क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। मुझसे हुआ नहीं, बिल्कुल साथ साथ आ रहे थे, तो अब हो जाएगा ना, अब तो हो गया, आपके सामने करके दिखा दिया मैंने। ये वाला जो सेक्शन है इसकी अगर मैं बात करूं इस कॉलम की, तो इसको मार्जिन देना है हमने थोड़ा सा टॉप और बॉटम से। ये वैसे चारों साइडों से लग रहा है लेकिन मैं इसका खत्म कर देता हूँ। जैसे मैं ये इसका जो राइट वाला मार्जिन है वो मैंने रिमूव कर दिया और लेफ्ट वाला जो मार्जिन है वो भी रिमूव कर दिया। 50-50 पिक्सल्स दोनों साइडों से दे दिया। इसको अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो और भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको 75 यहाँ से कर देता हूँ और 75 भी नीचे से कर देते हैं। अब इसको करते हैं अपडेट और यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। वंस इट गेट्स अपडेटेड तो फिर हम रिफ्रेश करेंगे पेज को। टेक्स्ट को आप लोग जैसे मर्जी मॉडिफाई कर लें, उसको जस्टिफिकेशन उसकी करनी है आपने, उसको आपने जो है उसका कलर चेंज करना है, जो भी आपने इसके ऊपर काम करने हैं आप लोग कर सकते हैं। ठीक है तो अब वो यहाँ से ऊपर से जगह जो थी वो थोड़ी थी, अब मैंने इसको ऊपर से और नीचे से दोनों को जगह जो है वो इंक्रीज कर दी है उसकी। ये हमारा स्किल्स वाला सेक्शन बन गया है। अच्छा आप लोग ने इस अलग अलग हर एक सेक्शन को जो है मोशन इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट सेक्शन किया है इसको, यहाँ पे आए मोशन इफेक्ट्स, मोशन इफेक्ट्स के अंदर आप लोग इसको थोड़ा सा फेड इन कर दें। ठीक है इसी तरह नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक किया, एडवांस में गए, इसके ऊपर मोशन इफेक्ट लगा दिया हमने, एंट्रेंस एनिमेशन जो है वो हमने लगा दी ये वाली। ठीक है फेड इन की एनिमेशन लगा दी। अच्छा जी फिर उसके बाद अगला सेक्शन हमारा माई स्किल्स के बाद कौन सा सेक्शन है? मोर अबाउट मी हो गया, माई स्किल्स हो गई, और फिर उसके बाद है जी रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन। ठीक है जी तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन जब आपने क्रिएट करना है, मैं ये जो माई स्किल्स वाला एक सेक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ जरा, और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। माई स्किल्स आ गया, माई स्किल्स को मैंने काट के लिखा कि ये मेरे जी रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। दैट्स गुड, मैं जी रीसेंट प्रोजेक्ट्स आ गए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे जो है उन प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स अटैच करनी है। पिक्चर्स आप लोग इमेजेस लगा सकते हैं, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ना विजेट्स हैं यहाँ पे, जैसे कैरोसेल का एक विजेट है इमेज कैरोसेल, ये इमेजेस इमेज वाला लिखा है, देखिए कितने बेसिक गैलरी है, इमेज कैरोसेल है, फीचर्ड इमेजेस लगानी है आपने,
स्लाइड्स लगानी है, कोई मीडिया कैरोसेल लगाना है, टेस्टिमोनियल कैरोसेल लगाना है, तो आप जैसे चाहें इसको लेके चल सकते हैं। इमेज कैरोसेल मैं लगाता हूँ, अगर रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लगाया मैंने, तो अब मुझे यहाँ पे इसको वो इमेजेस देनी है जो यहाँ पे स्क्रॉल करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इमेजेस जो है वो अपलोड करता हूँ इसके अंदर, इमेजेस इमेजेस किधर है इमेजेस, ये हैं जी इमेजेस फॉर पोर्टफोलियो। तो इसको मैं कुछ इमेजेस जो है वो दे देता हूँ। ये सारी इमेजेस मैंने वन बाय वन सेलेक्ट की और इनको मैंने ओपन कर लिया। देखते हैं कितनी इमेजेस हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 कोई 8 इमेजेस हैं जी, जो वन बाय वन यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी इस इमेज कैरेसल के अंदर। आप लोग कैरेसल भी लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये गैलरी लगी हुई है। ठीक है, गैलरी के ऊपर जो है ये इमेजेस लगाए गए, तो ये भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन पहले हम कैरेसल लगा के देखते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा, हम उसके साथ जो है वो जुड़ जाएंगे और उसी के हिसाब से जो है वो चीजें लेके चलेंगे। अच्छा, कोशिश करें कि इस तरह के जो इमेजेस के कैरोसेल आपने लगाने होते हैं, स्लाइडर बनाने होते हैं एलिमेंटर के अंदर, या फिर आपने गैलरी क्रिएट करनी होती है, उसके अंदर जो इमेजेस, जितने भी इमेजेस आप उसके अंदर लगाएं, वो सारे के सारे जो हैं वो सेम जो है डायमेंशंस के होने चाहिए। ठीक है, 640 बाय 640 इसकी एक की थी, आप लोग जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे उसकी 640 बाय 640 पिक्सल ही जो है वो नजर आएगी। ठीक है, तो देखें 640 बाय 640, ये तो ये सारे के सारे जो है वो अब अपलोड हो चुके हैं। अब मैं क्रिएट अ न्यू गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारी उसने जो है वो गैलरी क्रिएट कर दी है। आप लोग इसको जैसे चाहें इनकी पोजीशनिंग वगैरह मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा इमेज कहाँ पे आना चाहिए, और मैंने इसको क्लिक कर दिया इंसर्ट गैलरी। जैसे ही ये गैलरी बन जाएगी तो यहाँ पे ये इमेजेस जो है वो स्लाइडर की फॉर्म में शो होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने देना, आपने खुद से इसको मैनेज करना है कि आपने इसका थंबनेल क्या रखना है। लेट सपोज मैं इसका थंबनेल कोई अच्छे वाला रखता हूँ, थंबनेल चेंज कर रहा है ये, तो ये देखें जरा, अब उसका थंबनेल उसने इंक्रीज कर दिया है, बड़ा कर दिया है, और अब 3 पिक्चर्स जो है वो एक गैलरी के अंदर एक एक जगह पे शो हो रही। अच्छा जी, एक तो साइड पे मूव हो जाता है ये जो है ना, वो इस वाले कॉलम में चला जाता है थोड़ा सा क्लिक करने से। अच्छा जी, स्लाइड टू शो, कितनी स्लाइड्स आपने वन टाइम पे शो करनी है बाय डिफॉल्ट, स्लाइड्स टू स्क्रॉल, कितनी स्लाइड्स एक टाइम पे स्क्रॉल करें, इमेज स्ट्रेच तो नहीं लगाना, नेविगेशन एरोज एंड डॉट्स की होनी चाहिए, या सिर्फ एरोज लगे हुए हो, या फिर डॉट्स लगे हो, या फिर नन हो, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाए। ठीक है, इनको लिंक करना है अगर आपने किसी के साथ, तो कस्टम यूआरएल लगा के आप लोग इनको लिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनका कोई कैप्शन वगैरह सेट करना है तो आप लोग कैप्शन लगा सकते हैं इसको। यहाँ से आपके पास एडिशनल इसकी जो है ऑप्शंस हैं, ऑटो प्ले यस किया हुआ है, पॉज ऑन हॉवर, जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर हॉवर करेगा तो वो इसको पॉज कर देगा ऑटोमेटिकली, ये स्लाइडर जो है वो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, ऑटो प्ले की स्पीड क्या है, इन्फिनिट लूप लगाना है, एनिमेशन स्पीड क्या है, डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट है या राइट है, तो इसको आप लोग इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर इसको और देखें थोड़ा सा, तो हमारे पास इसका स्टाइल है, इसकी पोजीशन देखें जी, एरोज की पोजीशन इनसाइड रखनी है या आउटसाइड रखनी है, ये भी आउटसाइड आउटसाइड है, मतलब इस पिक्चर के बाहर ये एरो लगा हुआ है कहीं। ठीक है, और उसका कलर क्या रखना है, वो कलर यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। अगर मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ तो देखें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये एरो के कलर तक को आप लोग जो है वो मैनेज कर रहे हो। फिर ये डॉट्स हैं, तो डॉट्स की पोजीशन आउटसाइड है, उनका साइज डॉट्स का क्या है, उन डॉट्स का कलर क्या होना चाहिए, तो उनको भी मैं जो है वो फिलहाल ब्लैक कर देता हूँ, तो जिस जिस के ऊपर वो पहुंचेगा वो उसको ब्लैक कर देगा। फिर ये इमेज की बात करते हैं, तो इमेज इमेजेस के दरमियान में कोई स्पेसिंग वगैरह देनी है आपने अगर, तो स्पेसिंग दे सकते हैं थोड़ी सी, मैं कस्टम करता हूँ इसको, तो देखें जरा, 20 पिक्सल्स की उसने स्पेसिंग जो है वो दे दी है। बॉर्डर शॉर्डर लगाना है इसको अगर इमेजेस को, तो आप लोग बॉर्डर भी लगा सकते हैं। देखिए कितनी ज्यादा जो है वो आप लोगों को यहाँ पे चीजें मिल रही हैं कस्टमाइजेशन की। नहीं जी, ये 6 पिक्सल्स का बॉर्डर लग गया, अब ज्यादा प्यारी लग रही है। ठीक है, तो
मतलब ये है कि अगर ये बॉर्डर रेडियस अगर गोलाई करनी है साइडों से, तो ये लें जी, आपकी जो वेबसाइट्स हैं या आपके जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने थोड़ा सा गोल कर दिया साइडों से। फिर उसके बाद एडवांस के अंदर जाते हैं, को मार्जिन चार्जिन सारी की सारी चीज़ें हैं, इमेजेस, इमेज कैरोसेल हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे स्लाइड्स टू शो, अगर मैं यहाँ से कहता हूँ 4 स्लाइड्स शो करो एक टाइम पे, वैसे तो 3 भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर हम 4 करते हैं तो 4 हो गई। ठीक है, स्लाइड्स टू स्क्रोल, एक टाइम पे कितनी स्लाइड स्क्रोल करनी चाहिए, तो अगर इसको हम एक ही रहने देते हैं, एरोज एंड डॉट्स हो गए, यहाँ तक इसको अपडेट करके चेक कर लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी के साथ स्टिक हो जाते हैं हम, वरना हम इसको जो है वो बेसिक गैलरी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा पेज लोड हो गया, और लास्ट पे हमारे पास ये जो सेक्शन बना है रीसेंट प्रोजेक्ट्स का, ठीक है जी, तो ये प्रोजेक्ट स्लाइड कर रहे हैं आपके। अब मैंने इसके ऊपर हॉवर नहीं किया हुआ, ठीक है, तो ये इसका कुछ टाइम है, कुछ मिली सेकेंड्स का, या एक 5 सेकेंड का शायद टाइम है, 500 या 5000 मिली सेकेंड्स लिखे थे वहां पे, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम के बाद जो है वो एक स्लाइड जो है वो स्क्रोल कर देती है, जो जो प्रोजेक्ट यहाँ पे होता है वो इधर आ जाता है, जो इधर होता है वो इधर आ जाता है। ठीक है, तो जब आप हॉवर करोगे इसके ऊपर, तो हॉवर करने पे ये स्लाइड्स जो है वो नहीं चलेंगी, जैसे मैंने अगर हॉवर कर दिया इसके ऊपर तो ये नेविगेट नहीं करेंगी। ठीक है, फिर ये 5 मिली सेकेंड्स के बाद, ये 5 सेकेंड्स के बाद जो है वो नेविगेट नहीं कर रही होंगी। ठीक हो गया, हाँ जी, इसी को रहने दें या बेसिक गैलरी भी पढ़ना है, वो भी पढ़ा दूं एक दफा कि बेसिक गैलरी क्या होती है और उसमें कैसे आप लोग इमेजेस को लगा सकते हैं। अब देखें, जब से मैंने हॉवर किया हुआ उसके ऊपर तब से उसने स्क्रॉल नहीं किया। आप लोग चाहो तो इसी का एक डुप्लीकेट और भी बना सकते हो ना नीचे, जैसे ये जो विजिट है जो हमने लगाया है इसका एक मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई और पिक्चर्स अटैच कर दो। ठीक है, आपको लग रहा है अगर ये ठीक नहीं है, ये जो यहाँ पे ये डॉट्स नहीं आने चाहिए, यहाँ पे ये एरोज नहीं आने चाहिए, दोनों को रिमूव कर दो। ठीक है, ये जो नेविगेशन है यहाँ से इसकी मैं कर देता हूँ नन, कोई नेविगेशन नहीं लगानी, ऑटोमेटिकली ये जो है वो मूव करते रहे। ठीक है, फिर ऊपर वाले को सिलेक्ट किया तो ऊपर वाले की भी जो नेविगेशन थी वो नन कर दी मैंने। अच्छा जी, जब नेविगेशन नन की तो ये थोड़ा सा साइडों के साथ लग गए बिल्कुल ना, तो हमने क्या करना है, हमने इसको स्टाइल करना है जरा, और इसकी जो मार्जिन है दोनों साइडों से हमने लगाना है लेफ्ट और राइट से। अच्छा, लेफ्ट और राइट लगाने से उसकी जो पिक्चर है लास्ट वाली वो थोड़ी सी कट रही है, तो मार्जिन लगाने की बजाय अगर हम इसकी पैडिंग को सेट करते हैं राइट से, फिर भी लग रहा है, चलो इसको लगा के देखते हैं अभी फिलहाल। उसका कोई और हल भी हम सोच सकते हैं कि हम जो है अगर 40 और 40 दोनों साइड से लगाते हैं, ठीक है, और 40 और 40 लगाने के बाद कंटेंट में आके इसकी जो स्लाइड टू शो है वो हम कर देते हैं 3। जब 3 स्लाइड्स शो करेंगे तो फिर वो 3 3 स्लाइड्स पूरी पूरी शो होंगी। यहाँ पे इसको मैंने अपडेट किया, ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट करके ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, इसी का मैंने एक डुप्लीकेट बना लिया, ये वाले जो भाई साहब थे। ठीक है, इनको मैंने कर दिया अपडेट, और यहाँ इसको आके रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं जी, ये आपकी जो बेसिक गैलरी थी वो तो बन गई है, लेकिन इसने उस सेक्शन की जो पिछली चीजें थी वो सारी की सारी
जो है वो खराब कर दी है, उनको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसका भी हमें कोई मसला नहीं है। हम ये करेंगे अभी फिलहाल कि इसका जो मार्जिन और पैडिंग है वो रिमूव करते हैं, खत्म करते हैं। अगर इसको ऐसे ही रहने दें तो अपडेट करके चेक कर रहे हैं। निचली रो अगर क्रिएट करनी है हम लोग बेसिक गैलरी से भी कर सकते हैं। नहीं जी, तो ये आपका रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है, मैं खुद ब खुद ही स्क्रॉल भी होगा ये, और ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के बाद ये स्लाइड कर देगा। उस टाइम को भी आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर एक ही सिंगल ही लगाना है यहाँ पे तो फिर वो आप लोग डॉट्स भी लगा सकते हैं और यहाँ पे वो चीजें भी लगा सकते हैं, उसे ही होगा कि जरा प्रोमिनेंट चीजें नजर आएंगी और लोगों को पता लगेगा कि ये सिर्फ पिक्चर्स नहीं लगी हुई बल्कि एरोज एंड डॉट्स की मदद से ये पता लगेगा कि एक्चुअली ये एक स्लाइडर है। अभी अपडेट हुआ नहीं है, मैं वो भी पढ़ा देता हूँ, बेसिक गैलरी भी बता देता हूँ। चलो भाई चलो, टाइम कम है। नहीं जी ठीक है जी, अब ये एरोज और वो चीज़ें भी लग चुकी हैं, डॉट्स भी लग चुके हैं, लोग डॉट्स के जरिए भी आके इनको देख सकते हैं और एरोज के जरिए भी इनको नेविगेट करवा सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा जी, इसको मैंने किया अभी क्लोज, अगले सेक्शन पे चलते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे हम एक बेसिक गैलरी का, हमारे पास एक सेक्शन है ये, ठीक है, इसको मैं रीसेंट प्रोजेक्ट्स के नीचे जो है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ और यही सारे के सारे जो इमेजेस हैं वो मैं इसको दे दूंगा। 8 इमेजेस मैंने इसको दिए और कहा कि जी आप एक नई गैलरी क्रिएट कर दें मुझे, इंसर्ट करें इसको। तो यहाँ पे एक फ्लो के अंदर ये पिक्चर्स जो हैं वो आ जाएंगी, उसके बाद कस्टमाइजेशन आप लोगों ने खुद करनी है। यहाँ से पिक्चर का साइज जरा बड़ा कर लेते हैं, तो पिक्चर का साइज तो बड़ा हो गया है लेकिन ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ अब जो है वो जुड़ चुकी हैं। तो आप लोग इसको जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं। आपने इसका जो लाइट बॉक्स है उसको मैं यस करता हूं तो देखते हैं इसकी क्या अफादियत है। इसको डिफॉल्ट ही रहने दें, इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑर्डर बाय है, ऑर्डर बाय करना है अगर आपने इसको, कोई सॉर्टिंग करनी है इन प्रोजेक्ट्स की तो सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास ये स्टाइलिंग है, स्टाइल में आके आप लोग इसको, ये स्पेसिंग है इसकी, अगर बढ़ाना चाहते हैं कस्टम स्पेसिंग लगा के आप लोग इसको, इनकी स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पेस हम इसकी इसके दरमियान में दे देते हैं। बॉर्डर लगाना है अगर तो बॉर्डर लगा लें, अच्छा होता है। बॉर्डर लगाते हैं हम इसको, उस बॉर्डर की जो विथ है वो को 3-4 पिक्सल्स कर देते हैं और उस बॉर्डर का कलर आप लोग सेट कर लें अपनी मर्जी से। आप लोग अगर ब्लैक कर लेंगे तो आई थिंक सो वो ज्यादा सूट करेगा इसके ऊपर। और यहाँ पे आपके पास ये कैप्शन है, कैप्शन अगर शो करवाना है आपने, कोई अलाइनमेंट उसकी करनी है, टेक्स्ट कलर लगाना है उसको, और फिर उसके बाद ये आपकी स्टाइलिंग है, आपने मार्जिन शार्जन लगाने हैं। तो यहाँ से मार्जिन भी लगा सकते हैं। अगर मैं राइट से इसको थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ तो ये राइट से जो है वो थोड़ा सा अंदर आ गया, 20 कर लेते हैं पूरा, और
लेफ्ट से भी इसको कुछ 20 पिक्सल्स का मार्जिन जो है वो हम दे देते हैं। ठीक है जी। मोहम्मद साले कह रहे हैं कि सर हर इमेज को अलग अलग लिंक लगेगा, आप लोग लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था, एक चीज हमने जो डैपर पे बनाई हुई है, डैपर पे ये सब्सक्राइब के ऊपर बना सकते हैं, उधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, आप लोग अपनी मर्जी है। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं, मैं बता देता हूँ। ऐसे जैसे जी आपने ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इमेज है, उसका ये टाइटल है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फलां पोस्ट के ऊपर आप लोग चले जाते हैं ना। इसी तरह आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप लोग पोस्ट भी बना सकते हैं इसकी। दूसरा ये तो मैंने लगाई है बेसिक गैलरी, गैलरी का मतलब होता है उसमें आपको पिक्चर दिखानी होती है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे चाहता यह हूँ कि हर एक इमेज जो है वो इमेजेस इस तरह की फॉर्म में आ जाए और उस हर एक इमेज के बैकएंड के ऊपर कोई लिंक लगा हो तो वो भी लगा सकते हैं। बेसिक गैलरी कंप्लीट है, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। बेसिक गैलरी लगानी आ गई सब लोगों को, वो मुश्किल तो नहीं है इसमें। रिमूव करें ना इसको, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ जी, एक इनर सेक्शन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ रीसेंट प्रोजेक्ट्स को, चलो अगर मैं इसी को जो है इसके अंदर मैंने कोई सेक्शन ऐड करना है, या फिर मैंने इसके अंदर इमेजेस लगाने हैं, ये एक इमेज लगाने का ऑप्शन है मेरे पास। अब ये देखें आप लोगों को नजर आ रहा है इमेज कितना बड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं इसके अगर डुप्लीकेट्स क्रिएट करता हूँ तो वो देखें नीचे से नीचे जाते जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे अगर डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो वो एक इमेज नीचे लग गया। तो इसको इस तरह लगाने की बजाय मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, एक काम हम ये करते हैं कि इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और पहले इस सेक्शन के अंदर हम कुछ सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके मैंने सेक्शंस क्रिएट कर लिए पहले। इसका अगर मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ इस कॉलम का, तो ये देखें दो कॉलम्स बन गए, एक इसका और डुप्लीकेट मैंने क्रिएट कर लिया, अब तीन कॉलम्स बन गए, एक मैंने इसका और डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब चार कॉलम्स बन गए। अब इनके अंदर मैं अलग अलग इमेजेस जो है वो लगा सकता हूँ। जैसे अब मैं अगर इमेज का कोई सेक्शन है, जैसे ये इमेज है मैंने उठाया और इस सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दिया, इसकी कस्टमाइजेशन मैं पहले कर लेता हूँ और इसको मैं इमेज देता हूँ लेट सपोज कोई, ये एक इमेज हो गया। यहाँ पे आते हैं एक और इमेज ड्रॉप करते हैं, वैसे ना इसकी पहले कस्टमाइजेशन कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको डुप्लीकेट बना देंगे, इसके ना कॉपी कर लेंगे। कस्टमाइजेशन क्या है जी, कि आपने ये तो किया ही है, आप लोग यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट्स भी लिखना चाहते हैं और ये सारे का सारा काम भी करना चाहते हैं, इसकी कोई एनिमेशन वगैरह भी लगाना चाहते हैं, इसको लिंक करना चाहते हैं, तो ये देखें इसको अलग अलग आप लिंक कर सकते हैं। इस इमेज के बैकएंड पे जो भी लिंक लगाना है आप लोग यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद मैं इसलिए इसमें आया हूँ मोशन इफेक्ट्स के अंदर, तो मोशन इफेक्ट्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखें इसके बहुत सारे मोशन इफेक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, बाउंस, स्लाइडिंग, फ्लिप का है यहाँ पे, रोटेटिंग का है, फ्लिप किधर है, अच्छा जी, शेक, पल्स, फ्लैश, बाउंस, फ्लैश में क्या करता है, ओके नहीं हमें ये नहीं चाहिए, रोटेट इन, अच्छा जी, रोटेट इन डाउन लेफ्ट, ओके रोटेट इन अप। ठीक है, तो इस तरह की एनिमेशन आप लोग लगा सकते हैं इन सारे इमेजेस को। जब ये सारे इमेजेस एक ही टाइम पे रोटेट कर रहे होंगे या एक ही टाइम पे ये स्लाइड कर रहे होंगे ना, तो फिर वो थोड़ा सा आप लोगों को इसका जो इफेक्ट है वो अच्छा लगेगा। स्लाइड इन, स्लाइड इन राइट, राइट से आना चाहिए या फिर लेफ्ट से आना चाहिए इसको,
तो चलें जी, स्लाइड एंड राइट सबको लगा के देखते हैं ना। यहाँ पे इसको मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और इधर जो है वो इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, इसकी मैंने पिक्चर चेंज करनी है, तो दूसरी पिक्चर इसको दे देते हैं हम, इंसर्ट मीडिया। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको भी पिक्चर चेंज कर देते हैं, चूज इमेज के ऊपर क्लिक करके। इधर आ गए जी, इसको भी पिक्चर चेंज कर दी इसको। अच्छा जी, अभी फिलहाल ये हमारा जो है सेक्शन इस तरह का है कुछ, इसको देखते हैं अभी। इसकी ना आप लोगों को थोड़ी सी चेंज जो करनी पड़ेगी वो ये होगी, मैं बता देता हूँ। यहाँ से जो है दोबारा चेंज करनी पड़ेंगी, 1 मिनट में। इंसर्ट एंड अगेन इंसर्ट, इसका एक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको चेंज कर लें जी किसी भी पिक्चर के साथ। और यहाँ पे इसको भी फिलहाल हम अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो है वो लेआउट बन रहा है। इसको थोड़ा सा बॉर्डर शॉर्डर अगर आप लोगों ने लगाना है तो इंडिविजुअली आप लोगों को अब इनको सेटअप करना पड़ेगा अलग-अलग। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे आप इसके ऊपर जाते हो तो ये आपकी इस इमेज की सारी स्टाइलिंग है, इसकी अलाइनमेंट क्या कैसी है, इसकी मैक्सिमम विड्थ कैसी है, बॉर्डर लगाना है इसको तो बॉर्डर कितना लगाना है, सॉलिड लगा के उस बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं 3 या 4 उस बॉर्डर की विड्थ कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे काम जो है वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। बॉर्डर व्हाइट कलर का लगाना है, कौन सा लगाना है, इसी तरह आप लोगों को अब इसको जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोग इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और इनको अलग अलग अगर आप चाहते हैं कि लिंक लगाएं तो अलग अलग इमेजेस आपको लगाने पड़ेंगे। गैलरी को आप एक ही दफा लिंक करते हैं, ठीक है, और एक ही दफा जो है आप उसको लेके चलते हैं। मैं अब ये बाकी जो फालतू कॉलम्स हैं उनको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ये आप लोगों को बताने के लिए था कि आप लोग इसको अलग अलग तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं अभी फिलहाल डिलीट, और दोबारा से अपने पुराने वाले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। इसको भी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम वही रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला जो सेक्शन था जो हमने यहाँ पे बनाया था, किधर गया वो माई स्किल्स वाला सेक्शन? अच्छा, वो हमने रिमूव कर लिया था। तो चलें इसको हम कॉपी करते हैं, मोर अबाउट मी वाले को, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं एक, तो इसको देन मैनेज कर लेंगे हम लोग कि हमने जो है ये वाला जो किधर गया, नीचे लग गया, इसको उठा के जरा ऊपर ले जाए। मोर अबाउट मी की जगह पे हम इसको कर देते हैं माई स्किल्स। अच्छा जी, इसी तरह हमने इसको कॉपी किया। असल में जब आप ड्रैग करते हैं ना तो फिर वो सेक्शन उस जगह से हट जाता है और नई जगह पे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने इस सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद उसको हमने लिखा माई रिसेंट प्रोजेक्ट्स।
रिसेंट प्रोजेक्ट्स के फौरन बाद हम जो है यहाँ पे एक बेसिक गैलरी जो है वो दोबारा से लगा देते हैं। चलो भी चलो चलो शाबाश। अच्छा जी पिक्चर लगाए हैं अब, और पिक्चर्स में हम ये सारी पिक्चर्स उसको अगेन जो है वो 8 पिक्चर्स दे दी मैंने। क्रिएट न्यू गैलरी, साइज सेट किया इसका और स्टाइल में आ गए। स्टाइल में हमने इन सबको देखें इकट्ठा ही जो है वो एक बॉर्डर लगाना है। गैलरी में फिर जितने भी इमेजेस होते हैं उनको फिर बॉर्डर शॉर्डर आप लोग लगा सकते हैं। इसकी स्पेस जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर ली, बॉर्डर लगाया सॉलिड, उसकी विथ जितनी भी रखनी है आप लोग रख सकते हैं। लेट सपोज 3 पिक्सल रखनी है, उसका कलर बॉर्डर का क्या होना चाहिए उसको मैंने ब्लैक कह दिया। और यहाँ से बॉर्डर रेडियस जो है वो थोड़ा सा लगा देते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये हमारा जो बेसिक गैलरी थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। इसको भी कोई मोशन इफेक्ट्स वगैरह आप लोग यहाँ से कलेक्टिवली लगा सकते हैं, ठीक है। मोशन इफेक्ट्स के अंदर आपके पास फेड इन है, फेड इन डाउन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास फेड इन लेफ्ट, फेड इन अप, जूम इन लेफ्ट और जूम इन अप, ठीक है। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, आप लोग इसको जैसे भी चाहें मैनेज कर सकते हैं अपनी सेक्शंस की खूबसूरती के लिए और उनकी अट्रैक्शन के लिए। इसको थोड़ा सा मैं बॉर्डर लगा देता हूँ जो है हमारा राइट साइड से, जो बॉर्डर कह रहा हूँ अपना मार्जिन, ठीक है, राइट और लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन लगने वाला है इसको, लाइक 25 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड 25 पिक्सल्स ही राइट से, ठीक है। और ये हो गया हमारा अपडेट। आ जाएं जरा आप चेक कर लें कि वो अब सेक्शन हमारा रेडी है ये वाला ये नहीं। रिफ्रेश हो गई सही तरह जी, ठीक है। तो ये अब आपका वो सेक्शन है जिसको हमने अभी जो है वो डिजाइन किया। लोग जी ये हो गई हमारी बेसिक गैलरी, रीसेंट प्रोजेक्ट्स, मोर अबाउट मी, और ये हमारा होम वाला सेक्शन है। पीछे हमारा कौन सा सेक्शन रह गया जी? अब एक वो एक सेक्शन है आई थिंक सो, कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला। हाँ जी कॉन्टेक्ट मी, तो इसकी तरफ भी चलते हैं हम। जरा हमारे पास एलिमेंटर का एक विजेट है फॉर्म का, और हम एलिमेंटर के अंदर ही एलिमेंटर को ही यूज करके फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वैसे तो आप लोगों के पास एलिमेंटर मौजूद है, लेकिन अगर फिर भी एलिमेंटर प्रो नहीं है किसके पास, सब लोगों को वैसे दे दिया, अब ये तो नहीं कोई कह सकता कि नहीं है, लेकिन अगर आपको खुद से भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, हमारे पास कुछ प्लगइन्स हैं जिनमें से एक प्लगइन हमने ऑलरेडी शायद आप लोगों ने नाम उसका सुना हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के नाम से ना, तो वो कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के लिए यूज होता है खास तौर पे। इसके अलावा हर किस्म का फॉर्म अगर आपने क्रिएट करना है जिसके अंदर आपने यूजर से कोई फाइल भी लेनी हो सकती है, यूजर से आपने कोई इनपुट लेनी है किसी भी किस्म की, तो आप लोग WP फॉर्म्स के नाम से एक प्लगइन है उसको यूज कर सकते हैं। क्या नाम है जी? WP फॉर्म्स। तो WP फॉर्म्स का एक प्लगइन है। फिर उसके बाद जो एलिमेंटर है वो तो फिर वैसे ही एक बला का नाम है जिसके अंदर आप हर किस्म की कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। और एलिमेंटर ने भी हमें फॉर्म्स को डिजाइन और डेवलप करने का एक विजेट जो है वो दिया हुआ है, और उसको यूज करके हम आसानी से एलिमेंटर के अंदर फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला ये जो सेक्शन है इसको मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ वहां पे पेस्ट करने के लिए, नीचे वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक किया और ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये माई रीसेंट प्रोजेक्ट्स को मैं खत्म करके यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट मी, या कॉन्टेक्ट टास्क कर दें, कॉन्टेक्ट मी कर दें, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे भी आपने इसको लेके चलना है।
ठीक हो गया जी, ये कॉन्टेक्ट मी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक लगाना है फॉर्म का विजिट, कौन सा है जी, फॉर्म, WP फॉर्म्स या फॉर्म्स, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म है, ये लॉगिन फॉर्म भी है, और ये जो है पोस्ट कमेंट सर्च फॉर्म लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। ये जो फॉर्म का विजिट है ये हमारा एलिमेंटर प्रो का विजिट है, और इसकी जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो आप लोगों ने फिर अपनी मर्जी से खुद जैसे चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मैसेज का एक जो है उसने चार ये चीज़ें बनाई हैं, उसको हम लोग यहाँ से डिज़ाइन कर लेंगे। अब ये नेम है, नेम के साथ मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, और इस नेम को मैं पहले वाले नेम को फर्स्ट नेम बोल देता हूँ। ये लेबल है इसका, लेबल में से इसको मैंने ख़त्म किया, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट नेम, ठीक है। इसका प्लेस होल्डर भी मैंने यही रख दिया, फर्स्ट नेम, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो कॉलम विथ है वो है यहाँ से 100%, मैं 100% की बजाय इसको बोल देता हूँ 50% करनी है मैंने, क्योंकि नीचे वाले को भी 50% दूंगा तो वो उस 50% पे लास्ट नेम आ गया, ठीक है। ये नेक्स्ट वाले पे क्लिक किया तो इसका लेबल मैंने कर दिया लास्ट नेम, और यही इसका मैंने प्लेस होल्डर रख दिया। प्लेस होल्डर ये होता है, ये जो अंदर लिखा हुआ होता है, तो ये मैंने इसका प्लेस होल्डर रख दिया लास्ट नेम, और इसको भी मैंने 50% विथ जो है वो देनी है, कॉलम विथ इसको मैंने दे दी 50%, ठीक है जी। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई, ये ईमेल हो गया, ठीक है। ईमेल के अलावा अगर आपने कोई, अच्छा ईमेल अगर चाहिए है, रिक्वायर्ड है, आप कहते हो ईमेल के बगैर फॉर्म सबमिट ना हो, तो यहाँ से रिक्वायर्ड को यस कर देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड को जैसे ही यस करेंगे तो जब तक वो ईमेल लिख नहीं देगा तब तक वहां पे आ नहीं जाएगा, ये है रिक्वायर्ड का मार्क अगर लगाना है तो। मैं इसको यहाँ से शो करता हूँ तो यहाँ उस फील्ड के आगे ये एक स्टेरिक लगा देगा छोटा सा, जिससे लोगों को ये पता चल जाएगा कि यार ये वाली फील्ड बहुत लाजमी है, इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसको ईमेल को जी किया, ठीक है जी, ईमेल चाहिए है मुझे, और इसके अलावा क्या चाहिए, मैसेज है, हम कोई अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं, ये तो ज्यादा ही कुछ सिंपल सा हो गया। ईमेल के साथ हम यहाँ पे CNIC भी ले लेते हैं, मैं कहता हूँ जी अपना CNIC लिखो, और प्लेस होल्डर के अंदर ना मैं उसकी जो है वो जिस फॉर्मेट में आपने लिखना है वो मैं फॉर्मेट उसको बता देता हूँ कि आपने पहले अपने ये वाले डिजिट्स लिखने हैं, फिर आपने डैश डालना है, ठीक है। फिर आपने जो है ये कितने भी डिजिट्स होते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर उसके बाद एक डैश डाल के आपने इस फॉर्मेट में जो है वो आपने CNIC लिखना है। अच्छा, अब इससे ये होगा, अब ये वाला जो ईमेल ईमेल वाला सेक्शन है ना, मैं इसको दे रहा हूँ 33% के, तीसरा हिस्सा ईमेल को देना है मैंने। फिर नीचे CNIC वाला आ गया तो CNIC वाले को भी मैंने 33% देना है, ठीक हो गया। अब ये एक फील्ड की जगह बची, इससे एक फील्ड को भी हम फिल कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ से इसी की कॉपी एक करते हैं, तो CNIC को मैंने यहाँ से चेंज करके मैं उसे कहता हूँ कि तुम अपना सिटी भी बताओ मुझे, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर के अंदर मैं सिर्फ सिटी लिख देता हूँ, दैट्स गुड। और ये है जी आपका मैसेज, वो अपना मैसेज लिखेगा और इसको हम अपडेट कर देंगे। बाकी कस्टमाइजेशन जो आपने करनी है, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको को मार्जिन शार्जन लगाना है, आपने स्टाइलिंग इसकी करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, जिसको देख के हम लोग इनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कॉलम्स का गैप है, तो कॉलम्स गैप अगर इंक्रीज करना है, रोज गैप अगर इंक्रीज करना है, ठीक है, रोज का गैप, लेबल के अंदर स्पेसिंग पैदा करनी है थोड़ी सी, लेबल्स की और फील्ड्स की, तो ये लेबल्स की और फील्ड्स की। फिर लेबल का जो टेक्स्ट कलर है वो कैसा होना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। फिर ये आपके पास मार्क का कलर है, मार्क जो है वो आपका ये जो रिक्वायर्ड फील्ड्स के लिए मार्क लगे हुए ना, ये उसको भी मैंने ब्लैक कर दिया, लेकिन वो रेड होना चाहिए एक्चुअली, इसको दोबारा से रेड करो भाई, रेड ही अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो ये रेड हो गया, फिर उसकी कोई टाइपोग्राफी है तो उसको देख ले। सर ये मैसेज हमें कहाँ रिसीव होगा, मैं बता देता हूँ अभी, सब्र करें जरा थोड़ा सा, आज ही बता के भेजूंगा। ये फैमिली है, फैमिली चेंज करके मैं यहाँ से अगर इसकी फैमिली भी रोबोटो रख देते हैं, ताकि वो पूरी जो जितना भी वन पेजर वेबसाइट है उसकी जो फैमिली है सेम हो,
ये उसका साइज है, साइज जिस हिसाब से आप लोगों ने उसका मैनेज करना है उसको रखें। फिर उसके बाद ये इसका वेट है, उस वेट को जहां पे आपको लगता है कि ये ठीक लगेगा वहां पे छोड़ दें। वेट हो गया, स्टाइल है, डेकोरेशन है आप लोगों का, फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, ये सारी की सारी चीजें। फिर ये आपकी HTML फीड, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोगों ने HTML इसके अंदर कोई इम्बेड नहीं की वैसे। ये है फील्ड आपकी, और ये उस फील्ड का टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर है कौन सा होना चाहिए, सारी बात है, वाइट ही रखेंगे हम। लेकिन वो वाइट पे उसने जो है वो हमने टेक्स्ट लिखा था जो प्लेस होल्डर वाला था, बहरहाल उसको थोड़ा सा अगर हम दोबारा से जो है कर देते हैं उस टेक्स्ट के कलर को, टाइपोग्राफी, ये जो अंदर प्लेस होल्डर वाला टेक्स्ट लिखा है ना, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो बैकग्राउंड कलर मतलब अगर व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर व्हाइट कलर की पेंसिल से लिखोगे कुछ तो नजर नहीं आएगा ना, तो शेड दोनों के सेम हो जाएंगे। अच्छा जी, ये है जी उसका बैकग्राउंड कलर, ये उसका बॉर्डर का कलर है, ब्लैक है, दाहरी बात है। बॉर्डर को विथ, बॉर्डर विथ जो है वो दी है हमने, बॉर्डर रेडियस लगाना है अगर तो वो लगा सकते हैं। और ये है हमारा, अल्लाह तौहा भला करे, बटन। तो इस बटन की कस्टमाइजेशन आप लोग यहाँ से करेंगे कि जी आपने इसके ऊपर सेंड लिखना है, या फिर जो चीजें हैं वो कैसे आपने इसको मैनेज करना है। हॉवर के ऊपर उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, जैसे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, तो देखें अब जब मैं उसके ऊपर हॉवर करूंगा तो वो कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बटन्स के जो कलर है ना, ये बड़े मैटर करते हैं। अगर आपने बटन का कलर रेड किया हुआ होगा ना, तो उससे लगेगा कि शायद मैं इस बटन को दबा के किसी डेंजर में ना फंस जाऊं, ठीक है, तो इस तरह का काम नहीं करना आपने। टेक्स्ट कलर यही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा पल्स के अंदर अगर लगाते हैं, ये देखें पल्स करना शुरू हो जाता है हॉवर पे। फिर उसके बाद बाउंस इन कर देते हैं, लेकिन बटन के ऊपर ना नेविगेशन इतनी अच्छी लगती नहीं है, बटन को आप लोग कोई छोटी मोटी नेविगेशन ही लगा लें, जो फ्लोट की या सिंक की। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, हमें कोई भी नेविगेशन नहीं चाहिए, सिंपल ही चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये फिर सक्सेस पे अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है ना, तो फिर वो कौन सा सक्सेस का मैसेज जो है वो क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, एरर आता है, फिर इनलाइन मैसेज कलर, तो इस तरह के एरर वगैरह जब शो करवाने हैं तो आप लोग उनको भी जो है वो देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इसको मैनेज करना जरूरी है। यहाँ से मैं राइट और लेफ्ट से इसको मार्जिन लगाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये मेरा 50 पिक्सल्स का जो है वो मार्जिन राइट से हो गया और 50 पिक्सल्स जो है वो लेफ्ट से हो गया, ठीक है, पूरे के पूरे फॉर्म को। इसको मैंने अपडेट किया, चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमारा जो फॉर्म है वो कुछ कैसा लग रहा है, और उसकी जो है जो चीज़ें हैं वो देखने के लायक बनी है या नहीं है, किसी कस्टमाइजेशन की अगर उसको ज़रूरत है तो हम कर लेते हैं। ले जी, ये आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म बन गया है, ठीक है, कॉन्टेक्ट मी का। यहाँ पे वो फर्स्ट नेम लिखेगा, अपना लास्ट नेम लिखेगा, ईमेल सी एन आई सी, अपना सिटी लिखेगा, अपना मैसेज लिखेगा और हमें सेंड कर देगा, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है आपने किस फील्ड को रिक्वायर करना है, किस फील्ड को रिक्वायर नहीं करना, ठीक है, वो आप लोग यहाँ से आके इसके कंटेंट में से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जी सिटी वाला कॉलम जो है वो मुझे रिक्वायर नहीं करना, मैं उसको कहता हूँ कि ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, आप अगर इसको ना भी लिखोगे तो ये मैनेज हो जाएगा, तो अब वो देखें इसके ऊपर स्टारिक उसने नहीं लगाया, ठीक है। मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट नेम जो है वो मैंने इसको रिक्वायर्ड बोल दिया, और ये मेरा लास्ट नेम है, इसको भी हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि हमें उनके मैसेज के साथ साथ उनका कोई और फीडबैक भी चाहिए होता है। जैसे कोई क्लाइंट मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहता है और वो मुझे चाहता है कि मैं अपनी कोई अपना प्रोजेक्ट उसको दिखाऊं। सलाम रिस्पेक्टेड सर, आई वॉन्ट सबमिट एंड रिट्रीव डेटा थ्रू सेम फॉर्म, हाउ इट कैन बी डन, काइंडली एक्सप्लेन और डेमो इफ पॉसिबल। हाँ जी, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि अगर वो इस फॉर्म के जरिए मुझे कोई डेटा जो है वो सबमिट करना चाहता है, डेटा किसी फाइल की फॉर्म में हो सकता है, कोई PDF फाइल हो सकती है, कोई
मेरी प्रोजेक्ट की फाइल हो सकती है जिसके जरिए वो मुझे रीच कर रहा है, और मुझे चाह रहा है कि मैं जो है वो अपना प्रोजेक्ट भी साथ ही इसको समझा दूं और काम जो है वो करना स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक और नई आइटम जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं नई आइटम ऐड करता हूँ, उसका मैंने अपनी मर्जी से नाम रखना है और उसकी अपनी मर्जी से जो है वो मैंने टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ से ऑलरेडी जो हमने जितने भी काम किए हैं उनकी टाइप हमने टेक्स्ट सेलेक्ट की थी, लेकिन यहाँ से आप लोग हर किस्म की टाइप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट एरिया है, ये टेक्स्ट एरिया है मैसेज वाला, ठीक है, कोई यूआरएल लेना है, रेडियो लेना है, सेलेक्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, ठीक है जी। और इसके बाद ये है जी फाइल अपलोड। तो मैं यहाँ से फाइल अपलोड सेलेक्ट करता हूँ, तो देखें आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सेक्शन बन जाएगा, जो लोग यहाँ पे आके अपनी जो फाइल है उसको अपलोड कर सकते हैं और सारी की सारी चीजें। मैं यहाँ से कहता हूँ जी सबमिट योर प्रोजेक्ट, जी सबमिट योर प्रोजेक्ट हुआ, चूज फाइल हो गया, ये रिक्वायर्ड फील्ड है अगर, तो इसको रिक्वायर कर लेंगे। और यहाँ से हम उसकी मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम हम जी 10 MB की फाइल जो है वो अलाउ करेंगे। इससे बड़ी फाइल अगर आप जो है वो सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होगी, ठीक है। अलाउ फाइल टाइप्स, किन किन टाइप्स की फाइल्स को हमने अलाउ करना है, तो यहाँ से हम लोग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एंटर द अलाउड फाइल टाइप सेपरेटेड बाय अ कॉमा, जेपीजी, जेपीजी फाइल है उसको हमने अलाउ करना है, डॉट गिफ कॉमा गिफ फाइल अगर हमने अलाउ करनी है, डॉट पीडीएफ फाइल अगर अलाउ करनी है, तो जिस जिस एक्सटेंशन की फाइल हमें चाहिए हम लोग यहाँ पे वो लिख देंगे और उस एक्सटेंशन की जो फाइल है लोग आके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो इसकी जो है वो मैंने जो विथ है वो 50% अगर हम कर देते हैं या 40% कर देते हैं, ठीक है। इसको ऊपर नीचे कहीं लेके जाना है तो आप लोग लेके जा सकते हैं, आप चाहते हैं मैसेज से ऊपर ये शो हो तो इस सबमिट योर प्रोजेक्ट वाले को ड्रैग करें और मैसेज के ऊपर कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको अभी फिलहाल मैं अपडेट करता हूँ। तो जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये अब आपका जो है वो कॉन्टेक्ट मी वाला सेक्शन जी रेडी है। उसके बाद ये सबमिट योर प्रोजेक्ट, अगर ये आपको लग रहा है साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसका साइज वगैरह आप लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं स्टाइलिंग के अंदर आके। ये रोज गैप जो था वो मैंने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, रोज गैप डिक्रीज हुआ, लेबल का साइज थोड़ा सा छोटा कर लें तो उससे चीजें मैनेज हो जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद कंटेंट में आता हूँ मैं वापस, और इसको हम कुछ इस तरह मैनेज करते हैं कि ये जो CNIC है, ईमेल के बाद ये जो CNIC है, इस ईमेल को मैं 50% वेथ दे रहा हूँ, ठीक है। CNIC को भी 50% वेथ दे रहे हैं हम, सिटी को भी 50% दे रहे हैं, ताकि ये एक लाइन में आ जाए ना, सिटी और सबमिट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये सबमिट योर प्रोजेक्ट जो है ये भी हमारा 50% पे आ गया, और मैसेज आ गया नीचे अपडेट। अच्छा जी, अपडेट किया, अपडेट हुआ नहीं है अभी वैसे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पता नहीं किसने पूछा था, वो पूछा था साले ने, और साले ये कह रहे हैं कि ये ईमेल, ये जो मैसेज हमें भेजेंगे ये लोग, ये इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ये मैसेज हमें रिसीव कहाँ पे होगा। तो उसकी जो ईमेल की इंटीग्रेशन है वो हमने अभी करनी है, वो बाकी है। तो ये जी हमारा सेक्शन जो कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला है वो भी रेडी है, जिसके अंदर लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, CNIC, सिटी और कोई फाइल यहाँ से अगर वो देना चाहते हैं, जैसे ही चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनका वो ड्रॉप बॉक्स खुल जाएगा अपना, उसके ऊपर से जाके वो फाइल चूज करेंगे, जो फाइल हमने अलाउ की होगी वो उसी एक्सटेंशन की फाइल अगर तो सबमिट करेंगे तो वो हो जाएगा, और अपना मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये स्टोर कहाँ पे होगा,
ये आपका सबमिट बटन है, इसकी कस्टमाइजेशन अगर आपने करनी है ना तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर कोई लेट सपोज आपने सेंड लिखना है, यहाँ पर लिखना है सबमिट योर रिस्पॉन्स। और इसकी जितनी भी आपने जो स्टाइलिंग करनी है, स्मॉल से अगर आप इसको मीडियम करना है इसका साइज, और ये आपकी कॉलम विथ है, अलाइनमेंट है इसकी, या आइकन अगर आप इसके अंदर कोई लगाना चाहते हैं तो सबमिट का कोई है आइकन? सबमिट का नहीं है, सेंड का, सेंड का तो होना चाहिए यार। अच्छा कॉन्टेक्ट का, जो भी पसंद आता है इसमें से लगा लें आप लोग, ये मैसेज का कोई लगा लें, ठीक है? तो ये भी काम करेंगे उसके लिए। अगर मैं इसको ये लगा देता हूँ, ठीक है, सबमिट योर रिस्पॉन्स, तो ये पहले लगाना है या बाद में लगाना है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर बाद में लगाएंगे तो ये बाद में लग जाएगा। ये है जी आपकी आइकन की स्पेसिंग, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं आप लोग इसको। और क्या है जी, फिर है जी आपके पास ये ईमेल, ठीक है, ये जी टू, अभी जो ये जो भी लोग सबमिट करेंगे वो जाएगा एडमिन एट द रेट ऑफ एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स वाले ईमेल के ऊपर, ठीक है। आप लोग यहाँ से चेंज करके अपना ईमेल दे सकते हैं, आप ये चाहते हैं आपके जीमेल के ऊपर जो है ये मैसेज जाए, जो भी ये फॉर्म फिल करें तो आप लोग टू वाले सेक्शन के अंदर अपना जीमेल वाला जो है वो आईडी लिख दें, तो जैसे ही यहाँ से रिस्पॉन्स सबमिट होगा वो आपके जीमेल वाले सेक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इतना सा काम आपने सिर्फ करना है और कोई काम नहीं करना, और यहाँ से इसको हमने अपडेट कर देना, ठीक है। हाँ जी साले, आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का? इसको रिफ्रेश करें आप, और सबमिट योर रिस्पॉन्स पर सेंड वाला बटन भी थोड़ा इंक्रीज कर लें। इस किस डायरेक्शन में इंक्रीज करना है ये बताओ, जैसे चाहोगे आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और क्या रह गया इस सेक्शन, इस पूरी वेबसाइट के अंदर? अब आप लोग मुझे आइडेंटिफाई करवाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन रहते हैं और कैसे इनको नेविगेशन की जो है वो हमने इंश्योर करनी है। हाले चलो मैंने बोल ही दिया पीछे रह क्या गया नेविगेशन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताएं कि कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो अभी रहते हैं, या आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स आ गए, या आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया, सबमिट कर सकते हैं यहाँ से रिस्पॉन्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बता दो। कल को इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है फिर, ठीक है। और कल को इंशाल्लाह हम अमेजोन एफिलिएट के ऊपर बात करने वाले हैं कल से, और वो भी एक ई कॉमर्स की तरह एक डिटेल्ड जो है उसके भी सेशंस होंगे, और ईच एंड एवरी थिंग हम उसके अंदर भी जो है वो डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर। सोशल आइकन स्टिकी करने हैं, वेरी गुड। आइकन स्टिकी इकरा कह रही है, मुबर्रा हैं जी, साइड बार के आइकन्स हैं, स्टिकी साइड बार्स, वेरी गुड। और इसके अलावा तो नहीं है कुछ, और भी ढूंढ लें कुछ चीजें रहती हैं तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने आइकन्स की तरफ। पहले तो सबसे पहली बात यह है कि आइकन्स को लिंक करना है हमने ना, इन आइकन्स को लिंक करना है। जैसे ये साले ने बताया है कि स्टिकी तो करना ही है लेकिन लिंक भी करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, होम पे आए, इसके ऊपर क्लिक करूं ना तो ये अबाउट मी वाले सेक्शन पर ऑटोमेटिकली हमें नेविगेट कर दे, और इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये हमें स्किल्स वाले सेक्शन पर नेविगेट कर दे ना। इस तरह की हमने नेविगेशन भी लगानी है और इसके साथ साथ इनको स्टिकी भी करना है। तो नेविगेशन लगाने के लिए हम CSS क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। CSS क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी पता है, IDs और क्लासेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने HTML और CSS के अंदर दिया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हर एक सेक्शन को, ईच एंड एवरी सेक्शन, हर एक सेक्शन को एक एक आईडी असाइन कर लेते हैं। मैं इसको एडिट करता हूँ, पहले सबसे पहला जो मेन सेक्शन है, ठीक है। सर हाउ कैन आई डाउनलोड प्रीवियस लेक्चर्स, गिव लिंक इफ पॉसिबल। प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो आपको पता है रिमूव हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड इस वजह से नहीं होते, शायद सुबह को उठ नहीं पाते। तो मैनेजमेंट का ये फैसला था कि हम इन
लेक्चर्स को रिमूव कर देंगे ताकि थोड़ा सा सीरियसनेस आप लोग शो करें, क्योंकि यहाँ पे ये कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है वो ऐसा नहीं है जो नॉन सीरियस लोगों के लिए हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल भी नॉन सीरियस लोगों के लिए नहीं है। जो आप लोगों के साथ एसेट्स शेयर किए जा रहे हैं, थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, जो अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं, वो बिल्कुल भी नॉन सीरियस लोगों के लिए नहीं है। जो काम को टाइम दे के जो है उनको मुश्किल लगता है इसको टाइम देना, तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं है। आप ये सारी की सारी चीज़ें लाइव आता हूँ मैं रोज़ाना, मैं 9 बजे से 11 बजे तक आप लोगों के पास होता हूँ। तो बहुत सारे लोग अभी भी शायद ये समझते हैं कि उनके पास अभी भी टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो ठीक है, ये उनका नुकसान है और मुझे या मैनेजमेंट को या ई रोजगार को इससे कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा। फायदा आप लोगों का है अगर लेक्चर्स ले लेंगे, तो बी श्योर के आप लोग लेक्चर के टाइम पे जो है वो लाइव हो, ताकि बाद में ये 24 घंटे के लिए ये लेक्चर जो है आपके ग्रुप में मौजूद रहते हैं, फिर उसके बाद डिलीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं 24 घंटों के अंदर आप लोग जितना इसको रिवाइज कर सकते हैं आप लोग कर सकते हैं। बाकी रिक्वेस्ट करके देख लें आप लोग मैनेजमेंट से, अगर वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स दोबारा से दे दें तो वो ही कुछ कर सकते हैं। मेरा काम जो है वो सिर्फ यही है कि मैं आके यहाँ पे आपको 1.5-2 घंटे का एक लेक्चर जो है वो दे दूँ। अच्छा जी, हम क्या करने वाले थे, इनकी नेविगेशंस को सेट करने वाले थे। तो सबसे पहले मैं हर एक नेविगेशन, हर एक सेक्शन को एक यूनिक आईडी जो है वो खुद से असाइन कर देता हूँ, और देन मैं उसको लिंक करूंगा इन आइकन्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस सेक्शन को एडिट किया, ठीक है, और इसके मैं एडवांस के अंदर आ गया। एडवांस के अंदर ये CSS आईडी है, इसको मैंने कोई भी आईडी असाइन कर दी, जैसे मैंने इसको बोल दिया कि ये मेरा मेन सेक्शन है, तो CSS आईडी के अंदर मैंने लिख दिया मेन, ठीक है, गुड। आगे चलते हैं जरा, इस सेक्शन के ऊपर आए, इसको मैंने एडिट किया, तो इसका ये अबाउट का सेक्शन खुल गया। इसके एडवांस्ड में आके इसको मैंने कस्टम CSS के अंदर, सॉरी आपका ये जो एडवांस्ड है इसके अंदर मैंने CSS आईडी असाइन कर दी अबाउट की। ये याद रखनी है आप लोगों ने, मुझे याद करवानी है कि मैंने इसको कौन कौन सी आईडी जो है वो असाइन की थी। नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आए, इसको मैंने एडिट किया, और एडिट करके मैंने इसको जो है एडवांस के अंदर जाके इसको मैंने CSS आईडी असाइन कर दी स्किल्स की, ठीक है जी, स्किल्स की आईडी असाइन हो गई। नेक्स्ट वाले सेक्शन को आईडी असाइन करनी है, एडिट किया, अपनी मर्जी है, जो मर्जी आप लोग इसको आईडीज असाइन कर सकते हैं। इसको मैंने प्रोजेक्ट्स कह दिया कि जी इसका नाम हुआ करेगा प्रोजेक्ट्स। आसान सी आईडी रखनी है, ये इतनी मुश्किल नहीं रख लेनी, फिर बाद में आप लोगों को खुद से याद ना रहे या फिर आपको जो है वो स्पेलिंग्स की कोई मिस्टेक्स हो। तो एडवांस्ड के अंदर चलते हैं, CSS आईडी के अंदर मैंने इसको कॉन्टेक्ट बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गई जी मेरी आईडीज, मैंने इनको असाइन कर दिया। अब मैंने इन सेक्शंस को थ्रू आईडी कॉल करना है उन आइकन्स के ऊपर, तो आइकन्स पे चलते हैं जरा। ये आइकन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो वो होम होम पे ले जाएंगे। ये किधर गया, इसका पिक्चर्स किधर गई, आई थिंक सो हमने कोई इसकी जो है वो नेविगेशन इधर उधर कर दी है, इसका जो सेक्शन है वो ड्रॉप कर दिया है किसी और सेक्शन की तरफ। चलें, ठीक है, इसको लिंक करें अभी फिलहाल। तो ये इस आइकन के ऊपर आ गया, मैं इसके कंटेंट में गए, ये आइकन है और ये इसका लिंक वाला सेक्शन है, ठीक है। तो लिंक के अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा हैश, और हैश के बाद मैं इसको लिखूंगा मेन, इसको मेन का नाम दिया था ना, ठीक है। अगले वाले पे गए, अगले वाले के अंदर लिंक के अंदर मैंने लिखा हैश, क्योंकि आपको पता है आईडीज को हमेशा हैश सिंबल से जो है वो हम कॉल करते हैं। हैश लिखा, और हैश के फौरन बाद हमने इसको बोल दिया कि ये होगा आपका क्या था, अबाउट, ठीक है, इसको भी बंद कर दिया। अबाउट के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा हैश स्किल्स,
और स्किल्स के फौरन बाद हमारे पास है हैश, लास्ट पे क्या था स्किल्स के बाद? प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट वन है हमारा कॉन्टेक्ट, हैश कॉन्टेक्ट। इसको यहाँ से अभी फिलहाल जो है वो अपडेट करते हैं। सर, आई एम एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट कंप्यूटर सेंटर, सम टाइम बिजी इन ऑफिस टास्क एंड कैन नॉट अटेंड लेक्चर, सो आई वांट प्रीवियस लेक्चर थिंग्स। हाँ जी, आप कांटेक्ट कर लें अपने लैब मैनेजर जो भी हैं आपके, हंजला साहब हैं या आदिल साहब हैं, मैनेजमेंट से बात करके देखें, अगर वो आपको जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स मिस हुए हैं वो दे देते हैं तो इट्स वेरी गुड। अच्छा जी, ये वो सेक्शन जो है वो आई थिंक सो हमने कहीं ड्रॉप कर दिया इधर उधर, तो अभी फिलहाल नेविगेशन लगाई है उसको देख लें। ये नेविगेशन के ऊपर, ये तो होम सेक्शन ही है हमारा, अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये अबाउट पे आ गया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये माई स्किल्स वाले सेक्शन पे चला जाएगा। इसके ऊपर आएंगे तो ये हमारा रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन आ गया, और लास्ट वन है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन के ऊपर आ गया। अब इसे अगला काम ये है कि ये स्टिकी होने चाहिए, ठीक है। तो स्टिकी कैसे करना है, मुझे इसका बहुत दुख हो रहा है भाई, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इसको दोबारा से भी डेवलप कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी इसको क्रैक्स किंग वाला जो सेक्शन है सारे का सारा, इसको भी हम उठा सकते हैं वहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं एलिमेंटर के अंदर। इस तरह के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं अब चाहता ये हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा स्टिकी करूँ, तो स्टिकी करने के लिए इसके एडवांस्ड वाले सेक्शन में आऊंगा। इसको आइकन लिस्ट को क्लिक करके एडवांस्ड के अंदर आके ये हमारे पास इसकी पोजीशनिंग, ठीक है। पोजीशनिंग के अंदर इसकी जो विथ है, मैं इसको बोलूंगा कि ये विथ इसकी जो है वो कस्टम हुआ करेगी। आप लोगों को याद है कि हमने इसकी जो टोटल विथ दी थी वो थी ये परसेंटेज के अंदर, हमने बोली थी, हमने उसे बोला कि परसेंटेज के अंदर ही तुमने 5% इसकी विथ करनी है। इस कॉलम को हमने टोटल विथ कितनी दी थी, 5%। तो इस आइकन को भी, इन आइकन्स को भी हमने 5% विथ दे दी। वर्टिकल अलाइन इसका हमने जो है यही सिलेक्ट कर लेना है, ये जो स्टार्ट वाला है, और यहाँ से हमने इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड बोल देनी है, ठीक है। जैसे ही हम इसको फिक्स्ड करेंगे, यहाँ से आप लोग ना इसको हॉरिजेंटली स्क्रोल इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, जहां पे आपको लगे कि ये सही है वहां पे इसको फिक्स कर दें। ये आपकी हॉरिजेंटल जो है वो स्क्रोल बार है, जहां पे आपको लगता है कि ये फिक्स होना चाहिए वहां पे इसको छोड़ के इसको यहाँ पे अपडेट कर दें। तो जैसे ही अभी इसको हम फिलहाल अपडेट करेंगे तो देखते हैं कि ये स्टिकी हुए हैं या नहीं, और मेन पेज पे इसको जरा रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश अब देखिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा ये जो राइट साइड बार है वो मेरे जो नेविगेशनल मेन्यूज हैं वो बिल्कुल स्टिकी हैं, और मैं इनके ऊपर आसानी से क्लिक करके अपने मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर नेविगेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह हम राइट वाले को पकड़ लेते हैं। राइट वाले के ऊपर आए, एडवांस्ड के अंदर गए, और एडवांस्ड के अंदर इसकी पोजीशनिंग के अंदर जाएंगे, तो पोजीशनिंग इसकी मैंने विथ जो है वो कस्टम कर दी, और राइट वाले को आप लोगों को पता है 4 दिया था, यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको 4 कर देंगे, और इसकी पोजीशन जो है वो हम करेंगे फिक्स्ड। जैसे इसकी पोजीशन फिक्स्ड करेंगे, यहाँ से हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन और वर्टिकल ओरिएंटेशन आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने अपडेट किया यहाँ पे, जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें इस सेक्शन के ऊपर भी ये चीजें आ गई हैं, और अब जैसे जिस जिस तरह मैं नेविगेशन करूंगा इसकी, वो सारी की सारी चीजें जो है वो दोबारा हमारी हमारे उसी हालत में हमें मिल जाएंगी। यहां तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, क्लियर है सब कुछ, कोई मसला कोई प्रॉब्लम? हमने तकरीबन जो है हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो कॉपी बनानी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, साइड बार भी स्टिकी हो चुके हैं, और उनको हमने लिंक भी कर लिया है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे सेक्शंस के साथ।
सोशल आइकन्स के लिंक भी लगा सकते हैं, वो तो कोई मसला ही कोई नहीं है ना आपके लिए। अब सोशल आइकन्स को आपने सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, उनको आपने वन बाय वन यहाँ से लिंकिंग उसकी करनी है। ये कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट के अंदर जाते हैं तो ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपने फेसबुक का जो भी यूआरएल है, फेसबुक पेज का वो यूआरएल यहाँ पे दे देंगे, ट्विटर का भी पेज है तो ट्विटर का यूआरएल यहाँ पे दे देंगे। तो ये सिंपल इसकी लिंकिंग इतनी सी है, ठीक है। ये लिंकिंग जो दूसरी मैंने सिखाई है, ये थी आपकी विद इन द सेक्शन, उस पेज के अंदर अंदर जो आपको सेक्शन सेक्शंस को आपस में लिंक करना था, ये वो थी। वो तो एक्सटर्नल लिंक्स लगाने ना आपने, फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का, ठीक है, तो वो तो आपके लिए अब कोई मसला नहीं है। कोई सवाल यहां तक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सर थीम के पेज के साथ एलिमेंटर यूज कर सकते हैं या न्यू पेज ही बनाना पड़ेगा? कर सकते हैं, कुछ थीम्स होते हैं जो एलिमेंटर को, बल्कि बहुत कम थीम्स ऐसे जो एलिमेंटर को सपोर्ट नहीं करते। आप लोग एलिमेंटर किसी भी थीम के पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यह है कि जब आप एलिमेंटर से कस्टमाइजेशन कर रहे हो तो कोशिश करो कि थीम्स आपके कुछ स्पेसिफिकली उन थीम्स की ना सेटिंग्स के अंदर और उनके स्टाइल्स के अंदर, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है कि ये एलिमेंटर सपोर्टेड है या नहीं, कि इसके सेक्शंस जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो उनको हम एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ थीम्स हैं जैसे अब फ्लैटसम का थीम है, फ्लैटसम का थीम का अपना बिल्डर है जिसको हम यूएक्स ब्लॉक्स बोलते हैं, यूएक्स बिल्डर बोलते हैं, उसके अंदर हम ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग इधर आते हो, डीवी का कोई थीम यूज कर लिया, डीवी का अपना बिल्डर है, अब डीवी का जो थीम है उसके जो डीवी के बिल्डर के अंदर जो पेज बना हुआ है, उन्हीं पेजेस को, उन्हीं सेक्शंस को अगर आप एलिमेंटर से जो है वो कोशिश करोगे एडिट करने की, तो हो सकता है वहां पे वो एरर दे आपको, ठीक है। सर फ्लैटसम तो सपोर्ट नहीं करता, फ्लैटसम सपोर्ट करता है इन अ सेंस कि आप कोई नया पेज क्रिएट करते हो और नए पेज के ऊपर नए पेज की कस्टमाइजेशन आप एलिमेंटर से कर लेते हो, ठीक है। सर फॉर्म का रिस्पॉन्स किसी एक फाइल में कलेक्ट हो सकता है, बार बार ईमेल ना चेक करनी पड़े? हाँ जी जीशान, हो सकता है आपको कोई थर्ड पार्टी एक्सेस, थर्ड पार्टी एपीआई जो है कनेक्शन एक यूज करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लें उसके बारे में कि हाउ टू कनेक्ट एलिमेंटर फॉर्म विद एक्सेल शीट, ठीक है। तो वो आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल छोटा सा मिल जाएगा 5-6 मिनट का, आप उसके जरिए जो है एक एक्सेल शीट के अंदर इसका रिस्पॉन्स जो है वो ले सकते हैं। एक एक्सेल शीट बनाएं ऑनलाइन और उसको कनेक्ट कर दें अपने एलिमेंटर के फॉर्म के साथ। और कोई बात? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर कोई कंफ्यूजन है किसी किस्म की तो बता दो।
अब मुझे जो है ये इसकी कस्टमाइजेशन कल को मैं आप लोगों की वेबसाइट्स पे चेक करनी है एक तो, और इसके साथ साथ इस फ्राइडे को, ये जो फ्राइडे अब आएगा उस फ्राइडे को आप लोगों की ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, अल्लाह तौडा भला करे, ये एक ठीक है, जो फाइवर का जो सारे का सारा सेक्शन है हमारा, फाइवर पे जो हमने चीजें डिस्कस की हैं वो बहुत जरूरी है। अब इस फ्राइडे को हमने जो है वो आपकी प्रोफाइल्स भी चेक करनी है, कल को इंशाल्लाह मैंने ये जो आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है ये सब लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए, और इसके अंदर किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। जितनी कस्टमाइजेशन हमने पढ़ ली है वो सारी की सारी आप लोगों के पास आप इम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर मौजूद हो, लोकल होस्ट पे कर रहे हो आप लाइव सर्वर पे कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, मुझे काम चाहिए, अब मुझे प्रैक्टिस चाहिए, आपकी स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है सर। सीडीएन ऑप्टिमाइजेशन, सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जिसको हम क्लाउड फ्लेयर बोलते हैं, ठीक है। हम साइट के जो नेम सर्वर्स हैं या साइट की जो डिलीवरी है वो हम उसके अंदर रीडायरेक्शन के कुछ मसले आ रहे होते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, तो फिर उसके अंदर हम क्लाउड फ्लेयर की एक सर्विस होती है उसको अगर यूज कर लें तो वो जो हमारा सीडीएन की ऑप्टिमाइजेशन है सारी की सारी वो कंप्लीट हो जाती है। और रीडायरेक्ट रूल्स, अक्सर आपको शायद स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हुए कोई इस तरह का मसला आ रहा हो कि जी दिस साइट रीडायरेक्ट्स टू मेनी टाइम्स, तो उसको हल करने के लिए फिर आप लोग क्लाउड फ्लेयर का यूज करते हो, और क्लाउड फ्लेयर की सर्विसेज को यूज करके आप लोग वो जो रीडायरेक्ट्स का मसला है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। सर फॉर्म में इमेज कलेक्ट की फील्ड डिजाइन कर दें, लाइक यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म, उसको भी फिक्स कर दें कि अगर इमेज बड़ा हो तो क्रॉप भी खुद हो जाए। बेटा ऐसा नहीं होता, बड़ा हो छोटा हो, मैंने वहां पे फाइल साइज लिख दिया ना कि फाइल साइज मैक्सिमम इतने MB की फाइल जो है वो आप लोग अपलोड कर सकते हो, तो यूजर को देखना पड़ेगा। अब आप लोग दो मुख्तलिफ फील्ड बना लो ना, एक फील्ड जो है सबमिट योर प्रोजेक्ट वाली बना लो, एक फील्ड बना लो कि सबमिट योर पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर, ठीक है। उसके अंदर भी वो चूज फाइल करेगा, अपनी वो फाइल चूज करेगा .jpg वाली या .png, जो भी उसने बनाई है वो .jpg या .png वाली फाइल को सबमिट करेगा और उसकी वो पिक्चर जो है वो सेव हो जाएगी हमारे फॉर्म के अंदर, हमें मिल जाएगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहता था, मैं ये सारी चीजें बंद कर रहा हूँ। हमने सीखी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ये इकरा ने याद करवा दिया, उससे मुझे एक चीज याद आ गई कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ फाइवर के ऊपर ही नहीं है कि जी फाइवर के ऊपर हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी तो काम चल जाएगा। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स को भी जो है वो हिट कर सकते हो, और डायरेक्टली लोगों की वेबसाइट्स हैं, जैसे आप गूगल के ऊपर कोई कीवर्ड लिखते हो, लेट सपोज जार ओपनर लिखा आपने ना, ठीक है, बेस्ट जार ओपनर या जो भी जार ओपनर है आपने यहाँ पे लिख दिया, लोग आते हैं इस कीवर्ड को सर्च करते हैं ना, बेस्ट जार ओपनर, अच्छा जी बेस्ट जार ओपनर्स लिखा, यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आ गई, डेपर पहले नंबर पे है, शेफ रिसोर्सेज, शेफ सोर्सेज हैं, ये फिर अमेजोन आ गया, ये भी जार ओपनर सेल कर रहे हैं, ये भी जार ओपनर सेल कर रहे हैं, ये सारे कंपिटिटर है ना आपस में। आपने इन वेबसाइट्स की ईमेल्स निकाल के उन ईमेल्स के ऊपर एक ईमेल करनी है कि भाई साहब आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बड़ी स्लो है, मैं आपको वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करके दे सकता हूँ जिससे डायरेक्टली आपकी रैंकिंग के ऊपर फर्क पड़ सकता है और आप अपने कंपिटिटर्स से ऊपर जा सकते हैं इस गूगल रैंकिंग के अंदर। अच्छा अब नीचे वाले बंदे को कह रहे हो, ये वाले बंदे को, ये क्या है जी, क्या नाम है इसका, फूड शार्क मार्फा .com, इसने भी एक आर्टिकल लगाया है बेस्ट जार ओपनर्स वाला ना, और एक आर्टिकल ये डेपर डॉट रिव्यूज ने लगाया है, ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। दोनों के आर्टिकल्स हमने जो है वो चेक कर लिए, यार इसके बेस्ट जो जार ओपनर वाले आर्टिकल को पता नहीं क्या हुआ, चलो बहरहाल कोई और आर्टिकल देख लेते हैं, ये शेफ सोर्स वाला देख लिया, एक आर्टिकल है जी ये, ठीक है,
उसके अंदर भी ये टेबल शेबल लगा हुआ है और ये उसके ग्रेड्स और उसका व्यू ऑन अमेजोन का बटन है, एड्स भी उसने माशाल्लाह से दरमियान में बीच में लगा दिए। तो हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है ना सब लोगों को? मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूं अपनी, गलती से क्रॉस के ऊपर क्लिक हो गया था। आ जाओ भेजो, ये लो जी, अब स्क्रीन भी आ गई आपको आगे पास। और दोबारा से हम यहाँ पे कोई लिखते हैं कोई चीज़, जैसे हमने लिखा जी एक मिनट, फनी गुड मॉर्निंग कोट्स। अच्छा, फनी गुड मॉर्निंग कोट्स लिख के आपके पास बहुत सारी साइट्स जो हैं यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। इनमें से एक क्यूटीन डॉट मी है, प्लानट ऑफ सक्सेस है, ठीक है, 50 फनी गुड मॉर्निंग कोट्स दे रहा है ये, 27 फनी गुड मॉर्निंग कोट्स दे रहा है। आप इन मुख्तलिफ वेबसाइट्स को रीच करके उनको ये बता सकते हो कि भाई साहब आपकी ये जो साइट है ये जल्दी लोड नहीं हो रही और मैं आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ और आपकी स्पीड को जो है वो मैं हैंडल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपकी जो गूगल रैंकिंग्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा और आपकी जो गूगल रैंकिंग्स हैं वो बेटर हो जाएंगी और आप अपने कंपिटिटर्स से ऊपर आ जाएंगे गूगल रैंकिंग के ऊपर, जिसकी मदद से आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है, ज्यादा लोग आपकी के ऊपर आपकी जो है वो सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ज्यादा ऑडियंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी और एड जो है वो ज्यादा आपकी जो है वो देखी जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। तो अब मसला ये है कि हमें इन वेबसाइट्स के ईमेल्स कैसे मिलेंगे, हम इनको कैसे ईमेल के जरिए रीच कर सकते हैं और डायरेक्टली इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इनको फाइवर के ऊपर रीच करें। बहुत सारे लोगों को तो फाइवर का पता ही नहीं है, तो इन वेबसाइट्स को हमने डायरेक्टली कैसे रीच करना है, उसके लिए एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है ईमेल एक्सट्रैक्टर। आप लोग फ्री के अंदर उस ईमेल एक्सट्रैक्टर की जो गूगल एक्सटेंशन है उसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल एक्सट्रैक्टर क्रोम एक्सटेंशन आप लोग लिखेंगे यहाँ पे तो आपके पास वो एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। ईमेल एक्सट्रैक्टर क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से उसको हमने ऐड टू क्रोम कर लेना है सबसे पहले तो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ये एडिट है, इसका आइकन देख लें इस तरह का आप लोगों को नजर आएगा और यहाँ पे एड्रेस, ये जो आपका एड्रेस पा रहा है यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्टर का एक कॉलम जो है वो बन जाएगा, सॉरी एक आइकन बन जाएगा। अब इसके जरिए हमने ईमेल एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है वो देख लें जरा। और आई कैन गारंटी के बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं जो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ उनको ये जो है चीजें पता है, जो आम लोग जिनको सालों भी हो गए हैं उनको भी इस चीज का नहीं पता कि हम ईमेल्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करके हम उनको डायरेक्टली कैसे जो है वो पिच कर सकते हैं, उनको अपनी सर्विस के बारे में कैसे बता सकते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट द रेट, सॉरी डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा जार ओपनर, ठीक है, जार ओपनर लिखा, जार ओपनर्स लिख लें आपकी अपनी मर्जी है, फिर डबल कोट्स लगाई और फिर मैंने लिखा एट द रेट ऑफ gmail.com के। जार ओपनर लिख के जो रिजल्ट्स आते हैं उनके अंदर से एट द रेट ऑफ gmail.com वाले रिजल्ट्स तुमने निकाले जहां जहां पे जीमेल लगी हुई है उसकी। अच्छा, मैंने ये लिखा, ये सर्च रिजल्ट्स मेरे सारे के सारे मुझे यहाँ पे जो है वो मिल गए। इस पेज के ऊपर ईमेल एक्सट्रैक्टर की ये जो एक्सटेंशन है इसने 48 ईमेल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करके आपको निकाल के दे दिए। आप इनको कॉपी करें, ठीक है, इनको आप एक फाइल के अंदर सेव करते जाएं एक्सेल की,
और देन वन बाय वन इनको ईमेल के ऊपर सेम टेक्स्ट ही बेशक भेजते जाए, सेम टेक्स्ट आपका, आपने एक ईमेल पिच बनाई है जिसके अंदर आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश की है एक दो पैराग्राफ्स के अंदर, साथ उनका एक स्क्रीनशॉट अटैच करें कि भाई साहब ये आपकी स्पीड का टेस्ट मैंने किया है जीटी मैट्रिक्स से और ये स्पीड जा रही है इसकी फिलहाल, ठीक है। अगर आप इसको इम्प्रूव करोगे तो आपकी रैंकिंग जो है वो बेटर हो सकती है आपके कंपिटिटर्स से। अच्छा, जार ओपनर क्या अकेला एक ही कीवर्ड है? इसके अलावा कितने और कीवर्ड्स हैं? इसके अलावा हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट सपोज हम लिखते हैं कोट्स, सिंपल मैंने लिख दिया कोट्स। तो जो जो लोग कोट्स सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड जितनी चीजें, अब देखें उसने कितनी ईमेल सेलेक्ट की हैं। अब 74 ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करके आपके हाथ में पकड़ा दी हैं। ये सारी वो ईमेल्स हैं जो कोट्स लिखने पे आपको मिलती हैं, ठीक है। यहाँ तक आप इन ईमेल्स को कॉपी करें और इनको वन बाय वन सेंड करते जाएं, अपनी जो पिच है, अपनी जो सर्विस है, उसके बारे में लोगों को बताते जाएं। अच्छा, फिर कोर्स छोड़ दिया, कोर्स के जितनी भी ईमेल्स निकाली थी वो उनको हमने ईमेल कर दी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ले जी। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड देखें कितनी ईमेल्स आई हैं, 91 ईमेल्स इसने कैलकुलेट करके निकाल के आपको दे दी। तो कितनी बड़ी दुनिया है ये यार, आप लोग सोच नहीं सकते। और हर बंदे को स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस की जरूरत है। हर बंदा जो साइट बना के बैठा हुआ है उसको ये वो इस दौड़ में लगा है कि मैं गूगल रैंकिंग मेरी बेहतर हो जाए, मेरी स्पीड जल्दी, वेबसाइट जल्दी लोड होगी तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, लोग ज्यादा देर तक मेरी वेबसाइट के ऊपर ठहरेंगे और मेरी जो रेवेन्यू है इससे इंक्रीज करेगा। तो ये एक छोटा सा एक ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर अब अभी से अगर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग फाइवर के अलावा भी अर्निंग कर सकते हैं, और फाइवर के अलावा जितनी चीजें हैं, फाइवर के अलावा आप लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस डायरेक्टली जो है वो लोगों को दे सकते हैं। सर सिर्फ जीमेल यूज कर सकते हैं, याहू एटसेट्रा भी? आप जीमेल की जगह पे yahoo.com लिख दें तो याहू की जितनी ईमेल्स हैं वो निकाल देगा आपको, एट द रेट ऑफ yahoo.com, ठीक है। ये याहू लिखा मैंने तो अभी भी उसने देखो 72 ईमेल्स जो है वो निकाल दी हैं, और ये सारी की सारी याहू की ईमेल्स है, yahoo.com, yahoo.com। और अगर याहू से ईमेल्स करना चाहते हो तो याहू से कर लो, ठीक है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसके अंदर जैसे चाहो आप लोग, अब मतलब ये है कि इस कोई एक क्लाइंट भी अगर आपको जो है वो मिल जाता है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे फाइवर के ऊपर मैं बात कर रहा था अभी पिछले दिनों, एक मेरा स्टूडेंट है, उस एक बंदे की कोई 131 या 132 साइट्स है टोटल ना, उसने एक सर्विस दी उसको, पहले ऑन पेज एसईओ की ना, ऑन पेज एसईओ की सर्विस दी, फिर स्पीड की सर्विसेज उसके साथ उसने शुरू कर दी। वो कहता है मेरी 131 साइट्स हैं और इन 131 साइट्स की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टाइम गिवन टू फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। आप लोग फाइबर पे अगर कामयाब नहीं होते तो ये आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है, आप लोग डायरेक्टली लोगों को पिच कर सकते हैं और डायरेक्टली जाके लोगों को अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, साथ अपना पोर्टफोलियो का लिंक अटैच करें यार, अपना काम दिखाएं उनको जो आपने किया हुआ है ऑलरेडी, और ईमेल करें उनको अपनी सर्विसेज के बारे में। और ये सारे के सारे प्रोफेशनल लोग हैं ना, प्रोफेशनल जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और वो उन वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल एंड एनी टाइप्स ऑफ ईमेल्स, ठीक है, हर किस्म की ईमेल्स आप लोग यहाँ से कलेक्ट करके उनको डायरेक्टली जो है वो पिच कर सकते हैं, ठीक है जी। आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। इन चीज़ों को अगर तो इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो ये बहुत भली लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर सिर्फ सुन के छोड़ देना है, एक कान से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है तो भी अच्छी लगेंगी, लेकिन जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।